हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीटीएच डिग्री के बारे में, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ओके, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट भी कहा जाता है, उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, प्राइवेट कॉलेज की फीस, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, इसीलिए एंड तक वीडियो देखते रहे। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले। ओके, तो ये जो है कॉलेज कोड है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तो कैप प्रोसेस में, जब आप जाते हो तो कैप प्रोसेस में कॉलेज कोड डालना रहता है पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो ये कॉलेज कोड है 6101, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड टीचिंग सेंटर, एलटीएम मेडिकल कॉलेज, वीर लक्ष्मी बाई केलकर मार्ग, सायन, मुंबई। ये मुंबई में कॉलेज है। यहाँ पर सीट देखिए कितनी है, ये इनटेक है 10। ओके, और ये गवर्नमेंट, ये कॉर्प, मतलब ये गवर्नमेंट एडेड सीट्स है। ओके, इसमें फीस गवर्नमेंट ने जो फीस अप्रूव किया है, ओके, कम फीस होती है, वो फीस लगेगी। देन 6102 सेकेंड है, फिजियोथेरेपी स्कूल परेल में है, मुंबई में ही है। ओके, 40 सीट्स। ओके, देन फिजियोथेरेपी स्कूल्स एंड सेंटर, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, टोपी वाला के नाम से फेमस है। ये वाला जो था सेकंड वाला, ये जीएस मेडिकल कॉलेज के नाम से फेमस है परेल में। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, जो मैंने बोला टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, 6103 इसका कॉलेज कोड है, और इसमें 10 सीट्स है गाइस। और ये सारे कॉन्टेक्ट डिटेल है, कभी आपको रिक्वायरमेंट हुई, कुछ इंक्वायरी वगैरह पूछना हो उसके बारे में। ओके, फिजियोथेरेपी स्कूल एंड सेंटर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजनी, नागपुर में है ये कॉलेज। तो इसमें 30 सीट्स है, गवर्नमेंट टाइप ऑफ सीट है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुंबई में तीन कॉलेज है, ओके, जिसमें 60 सीट्स हुए, और एक नागपुर में 30 सीट्स हुए बस। तो आप देख सकते हैं कि 40 प्लस 20 60 और 30 90 सीट्स से खाली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी। अब बोलोगे सर इसकी फीस कितनी होगी, चलिए फीस देखते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डीएमईआर की वेबसाइट से ली गई है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो सारे ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन है। ओके, आपके जो ब्रोचर बोलते हैं ना हम लोग, डीएमईआर के ब्रोचर में पूरा डिटेल दिया हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एकेडमिक ईयर 2021, उसकी फीस हम लोग देखते हैं। तो ये मेडिकल, मतलब एमबीबीएस, डेंटल बीडीएस, आयुर्वेदा बीएमएस, यूनानी बीयूएमएस, एंड ये आ गया फिजियोथेरेपी, पीटी फिजियोथेरेपी, बीपीटीएच। तो इसकी फीस कितनी देखिएगा, 35,700 पर ईयर फीस है। डेवलपमेंट फीस ऐड होगा 3,000, तो ये हो जाएगा 38,700 पर ईयर। ओके, और ये पर ईयर फीस है, और ये डिग्री 4 ईयर की होती है, 5th ईयर में इंटर्नशिप होता है, तो 4 ईयर की फीस लगती है। तो ये 38,700 हो गया, और कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे एडमिशन फीस 1500, जिम खाना 500, हॉस्टल फी 4000, लाइब्रेरी फी 2000 प्लस 1000 3000, ये अप्रोक्सीमेटली 9000 हो गया। तो 9000 और प्लस 38,700, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली आप 40,000 के आसपास पकड़ के चलिए आपकी कॉलेज की फीस होने वाली है। ओके, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, हाँ, बीओटीएच के लिए भी उतना ही होता है। ओके, और बीएसएलपी के लिए भी उतना ही होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये चारों गवर्नमेंट कॉलेज है बीपीटीएच के महाराष्ट्र के अंदर। सर बाकी सब कॉलेज क्या है, तो बाकी सब कॉलेज प्राइवेट है, उसके भी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। और ये सारे डीएमईआर अप्रूव्ड कॉलेजेस है, ओके, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड, एनयू जिसे हम लोग एमयूएचएस बोलते हैं, एमयूएचएस वहाँ से अप्रूव्ड कॉलेजेस है। ओके, तो ये सारे कॉलेज में आप ट्रस्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ओके, चलिए प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं, उसके बाद इसकी फीस भी मैं आपको बताऊंगा। 6116 कोड है, के जे सोमैया कॉलेज, ये सायन में है, 100 सीट्स है वहाँ पर। टेरना फिजियोथेरेपी कॉलेज, ओके, नेरल नवी मुंबई, 60 सीट्स है। पीएस मॉडर्न कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पुणे में है, 60 सीट्स है। एमजीएम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी कहाँ पर है, नवी मुंबई में, 30 सीट्स है। ओके, डीपीओ एनईटी कॉलेज कहाँ पर है, ठाणे में है, ओके, कोलशेट रोड पे, 40 सीट्स। सीएमएफ कॉलेज इंचवड़ पुणे में, 40 सीट्स। ये सारे प्राइवेट कॉलेज हम लोग देख रहे हैं, और ये कोड है जो आपको यूजफुल होगा, आपको कैप प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए ये कोड डालने होते हैं। संचित इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी शिवाजी नगर पुणे, 60 सीट्स। एमएमईआरसी रंगून वाला कॉलेज, ये कहाँ पर है, पुणे में, अजाम कैंपस में है, 30 सीट्स है। ओके, और यहाँ पर माइनॉरिटी है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी है यहाँ पर, तो वहाँ पर उनको एडमिशन के लिए एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा कट ऑफ कम होता है। डी सोसाइटी ब्रिजल इंडल कॉलेज फिजियोथेरेपी, फर्गुसन कॉलेज कैंपस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके, नॉट ओनली मेडिकल ऑल्सो इन इंजीनियरिंग, फर्गुसन कॉलेज ऑफ कैंपस साइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर शिवाजी नगर पुणे में है, 40 सीट्स है इसमें। लेट फकीराबाई पंसारी एजुकेशन फाउंडेशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पुणे, 30 सीट्स है। कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मिराज, 50 सीट्स। एमबीपी समाज कॉलेज, 30 सीट्स। एमजीएम कामोते वाला नहीं है, दूसरा वाला है, ओके,
कामोती में भी एक है कॉलेज एमजीएम करके, एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी औरंगाबाद में है 60 सीट्स, नांदेड फिजियोथेरेपी कॉलेज ओके नांदेड में है 40 सीट्स, और एम ए डबल ई आर मुहस फिजियोथेरेपी कॉलेज पुणे में 40 सीट्स, कसीबाई नवले 40 सीट्स, एंड देन मुहस महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी 40 सीट्स, डॉक्टर विट्ठल राव विखे पटेल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा कॉलेज है ये अहमदनगर में है ओके हॉस्टल मीस में अवेलेबल है 40 सीट्स है, 61226 उसका कोड था। डॉक्टर उल्लास पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जलगांव में है 61 200 सीट्स, वी एस पी एम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नागपुर 60 सीट्स, के आर पांडव कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 30 सीट्स, ऑयस्टर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी वरुड जलना औरंगाबाद 50 सीट्स, साउथ इंडियन एसोसिएशन डोंबिवली डिस्ट्रिक्ट थाने 40 सीट्स, नवयुवा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भंडारा में है 50 सीट्स, अपरम्पार स्वामी फिजियोथेरेपी कॉलेज इन हंड्रेड में है 50 सीट्स, श्री विट्ठलेश्वर शिक्षण संस्थान लातूर में है 40 सीट्स, गोस्वामी कॉलेज 40 सीट्स नासिक में है, सेंट एंड्री एजुकेशन पुणे में है 40 सीट्स, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है तो वहाँ पर एडवांटेज मिलेगा क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी पीपल्स को, लोकमान्य मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई 50 सीट्स, वाईएमटी कॉलेज ऑफ खारघर नवी मुंबई 50 सीट्स, दत्ता मैगे नागपुर 50 सीट्स, निहारिका कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी धर्मपेट नागपुर 50 सीट्स, एसएसएस राधिका बाई पांडव कॉलेज नागपुर 30 सीट्स, बीकेएल वलवलकर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 40 सीट्स, राष्ट्र संत जनार्दन स्वामी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी कोपरगांव अहमदनगर 60 सीट्स, शिवा ट्रस्ट औरंगाबाद नासिक कॉलेज फिजियोथेरेपी नासिक 50 सीट्स, शिवा ट्रस्ट औरंगाबाद औरंगाबाद कॉलेज 60 सीट्स, महालक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर रायगांव सतारा 60 सीट्स, हिंदुताई कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पुणे 50 सीट्स, ढोले पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी वागोली पुणे 50 सीट्स, हीलिंग हैंड्स कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नागपुर 50 सीट्स, नाथपाई कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 40 सीट्स, लक्ष्मीबाई गोरली कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 50 सीट्स, मोतीवाला कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 50 सीट्स, ये नासिक में वासिम में सिंधुदुर्ग में। ये सर मैंने बीपीटीएस के बारे में पूरा बता दिया, हाँ बीओटीएस के बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये आपको हम लोग ने कॉलेजेस की लिस्ट बता दी, कोड बता दी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिए, सीट्स और किसी किसी कॉलेज में माइनॉरिटी है वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेज के फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, अप्रोक्सीमेटली 48,000 पर ईयर फीस है और ये 4 ईयर की डिग्री होती है, 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तो चलिए अब प्राइवेट कॉलेज की फीस देखते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सर्च करना है वैसे तो मैं बताऊंगा फिर भी अगर आपको जानना होगा तो SSSAMITi सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट होगा। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखता है, आप डेस्कटॉप भी यूज करें और यहाँ पर फीस इन्फॉर्मेशन में जाकर क्लिक करना रहता है आपको, 2021 में क्लिक करेंगे फिर ये आएगा, इंस्टीट्यूट टाइप में आप मेडिकल सिलेक्ट करेंगे, देन सब टाइप में हमें फिजियोथेरेपी का चेक करना है, बीपीटीएच ओके, ये पीजी भी रहेगा वो आप मत करिएगा, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजियोथेरेपी ओके, और बीपीटीएच मतलब बैचलर इन फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी इसको क्लिक करना है, और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चेक कर सकते हो, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में चेक करने के बाद नहीं आ रहा है मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में फिजियोथेरेपी की कोई कॉलेज नहीं है ओके, तो आप वैसे सर्च कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऑल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा ताकि मुझे एक साथ सारे फिजियोथेरेपी कॉलेजेस की लिस्ट आ जाए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट जो है लोड करके रखा है मैंने, वो लोड करने में कभी कभी टाइम लेता है ओके। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट ओके, इंस्टीट्यूट नेम डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीम फिजियोथेरेपी और ये वाला जो है फीस है ओके प्राइवेट कॉलेजेस के, नांदेड रूरल एक सेकेंड हाँ देखिए यहाँ पर प्रॉपरली मैंने सिलेक्ट किया मेडिकल फिजियोथेरेपी ऑल डिस्ट्रिक्ट और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो लोड किया हुआ ऑलरेडी है ये लोड होगा। नांदेड रूरल कॉलेज 83,000 पर ईयर फीस है उसमें, के जी सोमैया का देखिए 2,32,000 फीस है, टेरना चैरिटेबल नेरल में नवी मुंबई 1,20,000, महात्मा गांधी मिशन फिजियोथेरेपी नवी मुंबई जो मैं बोल रहा था कामोथे में 1,35,000 पर ईयर, मेयर्स फिजियोथेरेपी कॉलेज पुणे में 1,24,000 पर ईयर फीस है, एमवीपी कॉलेज 1,05,000, डॉक्टर उल्लास पाटिल कॉलेज जलगांव में 99,000, मार्शल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी लातूर 1,30,000, एमजीएम इंस्टीट्यूट औरंगाबाद देखिए एमजीएम दो है, एक है मुंबई में कामोते में नवी मुंबई में और दूसरा है औरंगाबाद में, औरंगाबाद का फीस कितना है 1,30,000, वीएसपीएम नागपुर 1,15,000, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फिजियोथेरेपी कॉलेज 1,50,000, डॉक्टर विट्ठल राव विवेक पाटिल ओके जो फिजियोथेरेपी ये जो है अहमदनगर में है ओके 1,01,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, संचेती कॉलेज
पुणे 1,60,000, पैरामेडिकल ऑर्गेनाइजेशन NEET कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी थाने में है 1,42,000, श्रीमती काशीबाई नावले कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 2,05,000, एमए रंगून वाला कॉलेज पुणे 1,32,000, चैतन्य मेडिकल फाउंडेशन पुणे 95,000 पर ईयर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 75,000 पर ईयर, लेट श्री फकीर बाय पंसर एजुकेशन निगड़ी पुणे 1,25,000 पर ईयर, मीरज मेडिकल सेंटर 70,000 पर ईयर, ऑयस्टर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 80,000 पर ईयर, पांडव कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी भंडारा 85,000 पर ईयर, सेंट एंड्रू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पुणे 92,000 पर ईयर, ऑयस्टर कॉलेज औरंगाबाद में डॉक्टर जी डी पोल फाउंडेशन YMT कॉलेज रायगढ़ 1,20,000 पर ईयर, SIA कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 90,000 पर ईयर, अपरम पार स्वामी फिजियोथेरेपी कॉलेज नांदेड 70,000 पर ईयर, SVSS लातूर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 80,000 पर ईयर, लोकमान्य मेडिकल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी खारघर 1,25,000 पर ईयर, गोखले एजुकेशन सोसाइटी गोसावी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 90,000 पर ईयर, दत्ता मेघेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 92,000 पर ईयर, नव युवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च फिजियोथेरेपी 80,000 पर ईयर, और ये रद्दी कटाई पांडव कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 80,000 पर ईयर। इसमें देखिए 32 कॉलेजेस की लिस्ट है, ओके, और फिजियोथेरेपी का जो लास्ट मैंने लिस्ट आपको दिखाया था, ओके, ये वाला जो पूरा है इसमें फिजियोथेरेपी में, ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भी लिस्ट है ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया। तो 43 ये प्राइवेट कॉलेजेस जो है, 43 प्राइवेट कॉलेजेस है फिजियोथेरेपी के महाराष्ट्र में, ओके, और मैंने आपको फीस बताया यहाँ पर 32 कॉलेज के ये, तो कुछ कॉलेज ने अपने फीस अभी तक बोलते ना अपडेट नहीं किए हुए हैं, इसीलिए इसमें नाम नहीं है, तो कॉलेज का नाम इसमें नहीं होगा, तो डरिए मत। जो पहले मैंने लिस्ट बताया उसमें 42 प्राइवेट फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस है, और ये जो है शिक्षण शुल्क समिति है जो फीस जो है अप्रूव करती है, तो वहां से है, तो पूरा एकदम जेन्युइन डेटा है आपके लिए, ओके। और अगर किसी कॉलेज का नाम इसमें नहीं है, जैसे मैंने बताया 42 कॉलेजेस है महाराष्ट्र में फिजियोथेरेपी के प्राइवेट कॉलेजेस, ओके, तो उसका आप समझ लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 के आसपास है, ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा 80,000 से लेकर 1,42,000 का रेंज है, केजी सोएम में थोड़ा सा कॉस्टली है 2,32,000, तो ऑलमोस्ट 1,00,000 के आसपास का एवरेज कॉस्ट होता है, ओके, पर ईयर का, जो आप समझ के चल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको डिटेल बताया, फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके लिए क्या क्या स्कोप है आगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट से आप स्पोर्ट्स फील्ड में भी जा सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर का एक पर्सनल डॉक्टर होते हैं, या कभी भी इंजर्ड होते हैं तो अचानक से, तो उनके पर्सनल डॉक्टर आके उनका पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, ओके, तो ये एक होता है स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। देन जनरली भी जो है फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत सारे हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट रहता ही है, ओके, और वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, ओके, वो सब वो बताए जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो इस तरह से फिजियोथेरेपी इज अ गुड फील्ड। और कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया, और इसके लिए भी नीट की एग्जाम आपको देनी होती है, नीट एग्जाम के बेसिस पे ही जो है एडमिशंस होते हैं, ओके, नीट के एग्जाम के बेसिस पे। तो इस तरह से मैंने BPTh का पूरा कंप्लीट डिटेल बताया, आपको अच्छा लगा होगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ओके, इसमें मैंने सब कुछ बताया। कॉलेज का कोड जो है वो आप याद रखें, बिकॉज ये जो है आपको यूज होगा जब आप कैप प्रोसेस के लिए फॉर्म भरते हो, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिए हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर सबको आपको समझ लो आप आउटस्टे का प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में हो, नवी मुंबई या पुणे का आप प्लान कर रहे हो, तो उस कॉलेज में फोन करके पूछ सकते हो कि भाई हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, क्या चार्जेस वगैरह है, तो और भी कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो आप पूछ सकते हो, इसलिए कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, और शीट्स भी दिए हुए हैं कि कितना इनटेक है, ओके, तो मैंने अपनी साइड से फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने का पूरा ट्राई किया है गाइस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मैंने बहुत सारे ऐसे ही वीडियोज जो है अलग अलग डिग्री के ऊपर बनाए हुए हैं, BMS, MBBS, BDS, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ओके, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अमित चौधरी करियर गाइड चैनल, और प्लेलिस्ट में आप जाके देखें कि भाई बहुत सारे प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हो मेडिकल के वेरियस फील्ड के बारे में, उसकी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।